और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे यामाहा R15 वर्जन 3 BS6 का, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बाइक एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है कि नहीं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, यामाहा R15 V3 ने काफ़ी कम समय में इंडियन मार्केट में जगह बनाई है, और इसका जो लुक्स है वो एक 150cc सेगमेंट का सबसे स्टाइलिश और मस्कुलर डिज़ाइन है। आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देख लीजिए, बाइक हर एंगल से एक स्पोर्टी अपीयरेंस शो करती है, इसलिए यामाहा लवर्स को R15 V3 काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, बाइक एरोडायनेमिकली डिज़ाइन है, इसलिए आपको वाइब्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। सामने आपको दो LED हेडलाइट मिलती है जिनकी नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है, और इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को LED इंडिकेटर्स देने चाहिए, क्योंकि उससे बाइक का लुक्स और इम्प्रूव हो जाता। लेकिन ठीक है, बल्ब इंडिकेटर्स की क्वालिटी भी बेस्ट इन क्लास है। बाकी BS6 वेरिएंट का ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कलर पसंद है। दोस्तों, इस बाइक में लगाया गया है 155cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड SOHC BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 18.6 PS एट 10,000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क है 14.1 न्यूटन मीटर एट 8,500 RPM का। और BS6 इंजन के आने से पावर और टॉर्क में माइनर सा डिक्रीजमेंट हुआ है, और माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 45 to 50 KMPL तक का गेन कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया माइलेज है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको सारे बेसिक इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ABS इंडिकेटर, बाकी और भी इंफॉर्मेशन ये कंसोल आपको दे देता है। बाइक की स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और आपको इंजन किल स्विच भी मिल जाता है। टायर्स और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और 100 Section 80 का 17 इंचेस का व्हील साइज मिलता है, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, और 140 Section 70 का 17 इंचेस का व्हील साइज मिलता है, और डुअल डिस्क आपको इस बाइक में मिलेगा। प्लस आपकी सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS इस बाइक में लगाया गया है। बाकी आपको इसमें एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो आपको एक हायर सेगमेंट की बाइक में देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्लीपर क्लच और यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी, मतलब वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है, जो एक कांस्टेंट RPM को क्रॉस करने के बाद बाइक की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। दोस्तों, राइडिंग पोस्चर इस बाइक का एग्रेसिव है, और जब आप इसको चलाओगे तो एक पॉजिटिव फील आपको मिलेगा। स्प्लिटेड सीट इसमें आपको मिलती है, राइडर और पिलियन सीट दोनों ही वेल कुशन्ड और कंफर्टेबल है। अब काफ़ी सारे भाइयों का डाउट होता है कि कितनी हाइट होनी चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए। तो अगर आपकी हाइट 5.2 और 5.4 फीट से ऊपर है, तो आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो। और अगर बात करें इस बाइक की प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस है 1,45,000 एक्स शोरूम दिल्ली, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही प्राइस है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये के अंदर आपको लुक्स, पावर, माइलेज, फीचर्स, कंफर्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये बाइक आप सभी के लिए एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक रहेगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि आप यामाहा R15 वर्जन 3 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू यामाहा R15 वर्जन 3, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ आपको मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम दिखाई दे रहा होगा, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो करें, और अगर आपका वहाँ पर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे DM कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।